थैंक यू वेरी मच. वेल टाइम्स के साथ तो काफ़ी टाइम तक यू नो हमारा जो आई थिंक एक साथ काम करना है या फिर उठना बैठना है, आई थिंक इट्स मोर लाइक अ फैमिली. और जब यू नो जब मराठी अवार्ड्स की बात आती है या फिर मराठी आइकन्स को लेकर बात आती है, आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि मेरा नाम यहाँ पे आया है. एंड यस एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड क्योंकि यू नो हौसला अफजाई तो डेफिनेटली होनी चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं हम काम करते रहते हैं लेकिन यू नो जब अवार्ड मिलता है तो इट जस्ट फील्स नाइस. या इट जस्ट फील्स नाइस. ओ गॉड देयर सचिन पिलगांवकर, आई मीन ही इज़ लेजेंडरी. यू नो बहुत ही दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि विजू सर आज हमारे साथ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज पीपल ना इन सब लेजेंडरी एक्टर्स ने, इन सब लेजेंडरी आइकन्स ने, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मराठी इंडस्ट्री को यू नो एकजुट होकर आई थिंक कहीं ना कहीं देव जस्ट ब्रॉट द बेस्ट यू नो. और आज जब हम यंग बच्चे जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इनका 2% भी हम लोग कर पाए ना तो बहुत है. मलंग के लिए अब बाप रे वर्कआउट तो काफ़ी किया है एंड मलंग के लिए आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड, बट उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. आई थिंक विजू काका के जाने से इस इंडस्ट्री को ही नहीं, आई थिंक पर्सनली हर आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा लॉस है बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यू नो ये लोग इंडस्ट्री की जान है, ये लोग इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है. तो यू नो आज जब अपने घर का जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमें जितना दुख होता है आई थिंक उससे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है बिकॉज यू नो हम कला से जुड़े हुए लोग हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जब आई थिंक एक पर्सन नहीं जाता, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू नो दैट आर्टिस्ट आई थिंक आई एम रियली गोइंग टू मिस हिम. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कल्चर को भूल रही है. एट द एंड ऑफ द डे हर किसी की अवेलेबिलिटी और यू नो हर किसी को वहाँ पे पहुँचना कितना ज़्यादा, आई थिंक हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो यू नो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों में जाए और फैमिली को सपोर्ट करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर किसी को पॉसिबल होता है. और जैसा कि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कह सकती हूँ बिकॉज़ कहीं ना कहीं यू नो हमको हर चीज़ में आर्टिस्ट को जज करना छोड़ना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि यू नो कल जाके हम लोग नहीं मिल सकते या उसके बाद हम जाके नहीं मिल सकते. एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो जो दुख है वो बांटना चाहिए एंड उसके लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ नहीं गए आप वहाँ नहीं गए. आई थिंक टू बी विद द फैमिली इज़ द बेसिक थिंग. थैंक यू. हम दोनों बहुत ही ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि ये मराठी में ऐसा फिल्म मराठी आइकॉन करके अवार्ड टाइम्स ने शुरू किया है और जिसके लिए हमें चुना गया है. तो मैं बधाई देता हूँ टाइम्स ग्रुप को. अक्सर वो कुछ ना कुछ नया नया ऐसे करते रहते हैं वो, और जिसमें हर रीजनल और सभी लोगों के लिए टाइम्स ग्रुप में आज तक कुछ ना कुछ शुरू किया है. हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है बिकॉज हमारा फर्स्ट एल्बम टाइम्स म्यूजिक से था, तो हमारे लिए हमेशा जब टाइम्स का कुछ होता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है, और ऊपर से ये हमारी मराठी इंडस्ट्री के लिए है तो एक दुगनी खुशी होती है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल. थैंक्स. बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे तो यू नेम इट लाइक संगीत के सारे दिग्गज महारथि हमारे आइकॉन्स रह चुके हैं. श्रीनिवास खड़े, विद्यानाथ मंगेशकर, राम कदम, ये तो मराठी के हमारे तो बहुत सबसे सुधीर फड़के, बहुत लोगों ने इंस्पायर किया हमको. इल्ले राजा सर, आर डी बर्मन साहब, लक्ष्मी प्यारे, बहुत ज़्यादा इनके संस्कार है हमारे म्यूज़िक पे, हमारे सुरों पे. आपके ये बस इसलिए जो कह दिया, हम लोग ये इंडस्ट्री में आई है इन सबको देखते हुए, जितने आइकन हैं उनको फॉलो करते करते ही आए हैं. तो हमारे तो जितने
छोटे बड़े सभी एक्टर्स एक्ट्रेसेस म्यूजिशियंस जितने टेक्नीशियंस हैं वो हमें हम जब भी किसी को मिलते तो लगता ही वो फैमिली की तरह है। किसी को नहीं होती है मतलब अवार्ड एक आपको नवाजा जाना अवार्ड से वो हमेशा एक खुशी की बात होती है। आपको आपने जो योगदान दिया है उसके लिए आपको यहाँ पे बुला के आपका सम्मान किया जाता है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होती है। जी 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 वेरी शॉकिंग वेरी सैड, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत शॉकिंग है, वेरी सैड है। हमको मालूम नहीं था कि वो बीमार भी थे, हमें तो जब लास्ट टाइम हमने देखा था तो सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे अच्छा मजाकिया मूड में उनको देखा था, हमेशा वैसे ही देखे। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है जी, बहुत शॉकिंग है। मुझे सोशल मीडिया से पता चला और बहुत ही शॉकिंग है मुझे एक्चुअली। उनकी तरफ देख के उनकी उम्र का पता ही नहीं लग रहा था और अचानक से ये न्यूज़ आ गई, सो बहुत खेद है हमें, हमारे इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा लॉस है। थैंक यू। टाइम्स मराठी फिल्म्स अवार्ड जब मुझे ख़बर मिली कि ऐसा होने वाला है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि टाइम्स बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी संस्था है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, टाइम्स ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो बहुत बड़ा इदारा है ऐसा मैं समझता हूँ। और उन लोगों ने ऐसा महसूस करना कि मराठी आइकॉन्स अवार्ड मिलना चाहिए, ये मराठी भाषा के लिए, मराठी महाराष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ, मराठी लोगों के लिए बहुत ही अहम बात है। और मैं एक महाराष्ट्रियन होने के नाते उनका शुक्रगुजार हूँ। सचिन सर के लाइफ में अवार्ड्स का क्या अहमियत है?
अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी शाबाशी के साथ तशबीह दी जा सकती है, मतलब एक शाबाशी है, और शाबाशी जब मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि उम्र से जो बड़े होते हैं उन्हीं की तरफ से शाबाशी मिलती है, नहीं, उम्र से जो छोटे होते हैं उम्र में वो भी शाबाशी देते हैं, दे सकते हैं, उन्हें उतना ही हक है, बड़े जो होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। नहीं, सोच नहीं बदली है, लेकिन लोगों की जो पसंद है वो धीरे धीरे बदल रही है, और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नई चीज़ को अपनाते हुए वो पिछली जो चीज़ थी उसे छोड़ नहीं रहे हैं, हालांकि नई चीज़ों को अपना रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत ही दुखद ऐसी वो बात है मेरे लिए, क्योंकि बतौर एक्टर तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा योगदान तो है ही, उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, साथ साथ मराठी फिल्मों में भी किया, मेरी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया जो मैंने निर्देशित की हैं, लेकिन बतौर इंसान भी बहुत बड़ा लॉस है ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे इंसान थे, उनको आयरनिकली स्क्रीन पर नेगेटिव रोल्स करने पड़े या करने मिले, उनकी वो छाप उन पर वैसी थी, चाहे वो कालिया हो या कोई भी हो, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत ही सुशील और बहुत ही सुशिक्षित ऐसे इंसान थे। नहीं, भूलती नहीं जा रही है, लोग व्यस्त हैं कुछ ना कुछ करने में, अभी लॉन्ग वीकेंड भी शुरू हो रहा है तो इस वजह से कुछ ना कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ महसूस होना भी तो उतना ही ज़रूरी है कि नहीं, जो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो नहीं गए होंगे लेकिन उनको दुख तो ज़रूर हुआ होगा। बोल रहा है अशोक जी के साथ फोटो आई आई दो मिनट दो मिनट सर अशोक सर तुमचा सोलो सोलो
Dinesh? Finally, we have a very stupid thing. I have brand. No.